कोरोना वायरस से बचाव के लिए कुछ दिन पहले ही सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों से नए स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप को प्री इंस्टॉल करने के लिए कहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में भी स्मार्टफोन्स में आरोग्य सेतु ऐप पहले से ही इंस्टॉल रहेगा। अब सरकार ने आरोग्य सेतु मित्र नाम की वेबसाइट को लॉन्च किया है। इस वेबसाइट के जरिए लोगों को घर बैठे ही कोरोना वायरस से जुड़ी जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। सरकार ने इस वेबसाइट के लिए ई संजीवनी ओपीडी, स्टेप वन, टाटा ब्री डिजिटल हेल्थ और टेक महिंद्रा कनेक्ट सेंस के साथ भी समझौता किया है। इस वेबसाइट या पोर्टल के जरिए लोगों को ऑडियो कॉल, मैसेज चैट और वीडियो कॉल के जरिए कोविड-19 वायरस से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इसके अलावा 1MG, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, मेट्रोपोलिस, SRL डायग्नोस्टिक्स और थायरोकेयर जैसी थर्ड पार्टी कंपनियां होम लैब टेस्ट की सुविधा भी देंगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, यदि आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप है तो आपको ऐप में भी आरोग्य सेतु मित्र का एक बैनर दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोसीड लिखा आएगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे आरोग्य सेतु मित्र के लिए बने पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। यहाँ यूजर्स को कंसल्ट डॉक्टर, होम लैब टेस्ट और ई फार्मेसी का ऑप्शन मिलेगा। आरोग्य मित्र की मदद से न सिर्फ आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकेंगे बल्कि घर बैठे दवाई भी मंगा सकेंगे। आरोग्य मित्र आपको होम कलेक्शन सैंपल की भी सुविधा देता है, जिससे लोगों को घर से बाहर ना निकलना पड़े। यूजर्स अपनी जरूरत के अनुसार इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को चुनकर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए साइट पर रजिस्टर करना होगा और इसके लिए निजी जानकारी भी देनी होगी। आरोग्य सेतु मित्र पोर्टल भारत के 25 शहरों में काम करेगा। इसके अलावा अगर आप आरोग्य सेतु मित्र सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले www.aarogyasetumitra.in पर लॉगिन करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, कंसल्ट डॉक्टर, होम लैब टेस्ट और ई फार्मेसी। वहीं देश में कोरोना वायरस के मामले 50,000 के करीब पहुंच गए हैं। मृतकों की संख्या बढ़कर 1,621 हो गई है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक 13,500 से अधिक मरीज ठीक भी हो चुके हैं, यानी अपने घर डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। आप भी अपने फोन पर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर के लिए आप लोकमत न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।